हे गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजीरा सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुनिया में। मैं इंजीनियर चेतन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एस्टिमेशन पार्ट से आता है, वो है प्लंबिंग आइटम्स। कि प्लंबिंग आइटम्स का मोड ऑफ मेजरमेंट कैसे होता है, उसका कैसे हम उसके बारे में जान पाते हैं, उसके आइटम्स क्या क्या होते हैं और कितने तरह के पाइप्स होते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आप लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहां पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले एक पाइप की बात में डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पाइप। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ टाइम पहले हम घरों में यूज करते थे जीआई पाइप, जिसको बोलते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स। ये जो गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स हैं, ये बहुत जनरली पहले बहुत सारे घरों में यूज होता था, लेकिन आप लोगों ने देखा कुछ टाइम बाद अब प्लास्टिक पाइप ने उसकी जगह ले ली है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसको क्यों ऐसा करना चाहिए, हमको कॉस्ट में कितना इफेक्टिव है और क्वालिटी में कितना इफेक्टिव है, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ पर, जैसा कि जीआई पाइप्स आप देख रहे हैं कितना कोरोजन हो जाता था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पाइप में जब पानी जाता है, पानी का फ्लो होता है, जो हमारा आयरन पाइप्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कि कोरोजन लगता था वहां पे। इसकी वजह से वहां पे हम पाइप को रीयूज नहीं कर पाते। मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ हमारा पाइप चोक हो गया, मुझे चेकिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, पाइप को कट करूंगा। कट करने के बाद अब देख रहा हूं मैं उसको वहां पे वापस बंद करने की कोशिश, तो बंद नहीं हो पाता। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पाइप को ले जाना पड़ेगा लैथ मशीन में, जो खैरात मशीन जिसको बोलते हैं, वहां पे इसकी रिंग्स कटवाएंगे हम। रिंग्स कटवाने का दोबारा से इसको जोड़ेंगे हम कपलर के साथ, तब जाके इस पाइप को यूज कर पाते थे। ये पाइप इस कारणवश हम आज घरों में डोमेस्टिक पर्पज में यूज करना हमने बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि कॉस्ट कम, यहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है इस पाइप की, साथ के साथ यहां पर कोरोजन होने की वजह से हम रीयूज नहीं कर पाते। इस पाइप को हमने आज के टाइम में यूज करना बहुत ही कम कर दिया है। दूसरा पाइप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर, ये आता है पीवीसी पाइप। पीवीसी मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड पाइप, ज्यादातर जनरली में घरों में यूज होने लग गया। ऑल्टरनेट है हमारे किसका, जीआई पाइप्स का ऑल्टरनेट है हमारा पीवीसी पाइप। लेकिन यहां पर तीन कमियां होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर क्या कमियां होती है। सबसे पहले, इस पाइप को हम डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा डोमेस्टिक पर्पस में हम सब जानते हैं कि पानी शुद्ध होना चाहिए, वही पानी हम पी सकते हैं। लेकिन पीवीसी पाइप में जब वाटर का फिलो होता है, तो फिलो होने की वजह से यहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस हो जाती है। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये पाइप हम डोमेस्टिक पर्पस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने की वजह से यहां पर पानी जो हो गया वो इम्प्योर हो गया। साथ के साथ जैसा कि मैं वॉल में इस पाइप को लगा दूं, आपको पता होगा पाइप को हम जो प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो पाइप को कंसील्ड प्रोवाइड करते हैं, कंसील्ड मतलब वॉल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाई वाटर प्रेशर आने के कारण पाइप फट जाता था हमारे वॉल के अंदर, जिससे पूरी वॉल खराब हो जाती थी हमारी। इसलिए इस पाइप को हम यूज नहीं करते कहां पर, अपने डोमेस्टिक पर्पस में। तीसरा रीजन जरा ध्यान से समझिए, जो कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होता है, कि यदि ठंडा पानी आएगा तो पाइप क्या होगा, ठंडा पानी आने पर पाइप अपना जो श्रिंक होगा यहां पर, मतलब पाइप जो है यहां पर श्रिंकेज प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन गर्म पानी फ्लो होने पे पाइप एक्सपांड हो जाता है, क्योंकि पाइप मुलायम हो जाता है, मुलायम होने की वजह से अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है वो। तो ये तीन दिक्कतों की वजह से हम इसको डोमेस्टिक में यूज नहीं करते, किसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप को। इसलिए इसको यूज करा जाता है एग्रीकल्चर पर्पस में या ड्रेनेज पर्पस में। अब बात करते हैं यहां पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर, अब बात करते हैं हम सीपीवीसी पाइप की। सीपीवीसी मतलब, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सीपीवीसी की फुल फॉर्म। सीपीवीसी मतलब क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। ये ऑल्टरनेट है हमारे पीवीसी पाइप का। देखिए आप लोग समझिए ध्यान से, डोमेस्टिक पर्पस में जब हम पाइप को यूज कर रहे हैं, तो तीन बड़ी समस्याओं का कारण होना पड़ रहा है। फिर से रिकॉल करते हैं, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, जिससे पानी इंप्योर हो गया। दूसरा, हाई वाटर प्रेशर आने पे हमारा पाइप जो है फट जाता था वॉल के अंदर। तीसरा रीजन, जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है कि श्रिंकेज और एक्सपांशन प्रॉपर्टी रखते हैं कोल्ड और हॉट वाटर आने पर। तो यदि मैं ये दो प्रॉपर्टी अगर चेंज कर दूं, सबसे पहला आपका कि यहां पर जो पाइप, जो मेरा पानी आ रहा है वो इंप्योर ना हो, दूसरा पाइप फटे ना, चलो तीसरा तो मैं चला लूंगा कि एक्सपांड होगा, श्रिंक हो जाएगा, लेकिन नुकसान नहीं कर रहा मेरे किसी भी तरह वाटर को और किसी भी तरह मेरे स्ट्रक्चर को। तो सीपीवीसी पाइप में ना तो किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन होती पानी फ्लो होने पर, ना ही किसी भी तरह का पाइप मेरा फटता, क्योंकि इसको डिजाइन किया जाता है उस प्रेशर पर कि हाई वाटर प्रेशर आने के कारण भी पाइप मेरा फटे नहीं। लेकिन ये पाइप पीवीसी पाइप के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन इस पाइप को हम यूज करते हैं कंप्लीटली डोमेस्टिक पर्पस ओनली। डोमेस्टिक पर्पस में हम इस पाइप को यूज करते हैं। इसके बाद आता है थर्ड पाइप, जो कि होता है हमारा यूपीवीसी पाइप। यूपीवीसी मतलब अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। देखिए नाम से समझिए, अनप्लास्टिसाइज्ड मतलब
प्लास्टिक की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दिया यहां पर। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज कर दी गई है यहां पर। क्यों चेंज कर दी गई, क्योंकि पहली दिक्कत जो थी हमारी पानी इंप्योर करने की, वो सीपीवीसी पाइप ने रिजॉल्व कर दिया। दूसरी बड़ी दिक्कत थी कि पाइप फट जाता था मेरा, वो भी रिजॉल्व कर दिए मेरी। लेकिन तीसरी दिक्कत रिजॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए यूपीवीसी में क्या होता है, ना तो किसी भी तरह का पानी में इंप्योर होता है वाटर फ्लो के दौरान, ना ही पाइप फटता है, और तीसरा एक्सपांशन और श्रिंकेज भी नहीं होता। लेकिन ये पाइप कुछ ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम डोमेस्टिक में यूज ना करके इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज करते हैं। यहां तक कि आज तो बोर में भी यूपीवीसी पाइप जनरली दिया जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यूपीवीसी पाइप को हम जनरली बोर में भी यूज करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक में करने पर हमारी बिल्डिंग इकोनॉमिकल नहीं रहती, इसलिए हम सीपीवीसी पाइप का जनरली यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस में। तो ये कहानी थी पाइप की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइप को कैसे फिट किया जाता है, कितने तरह के फिटिंग आइटम्स होते हैं, सैनिटरी आइटम्स कैसे होते हैं, ड्रेनेज आइटम कैसे होते हैं, इनका मोड ऑफ मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये कंप्लीटली जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। Presenting Civil Guruji app, available in Google Play Store. Download now.